किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उन्होंने घोषणा की है कि ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट पर कल महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष एवं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी मौजूद रहेंगे। जैसा आप सभी को मालूम है, आज सैकड़ों किसानों की गिरफ्तारी हुई है, जिससे किसानों में आक्रोश है और 10 किसान संगठन मिलकर इस आंदोलन को चला रहे हैं। देखें इस मामले में क्या बोले राकेश टिकैत जी। धन्यवाद। जय हिंद संविधान। आज बात करते हैं जो सिसोली में मीटिंग हुई गौतम बुद्ध नगर के किसानों की गिरफ्तारी के संबंध में। वहां से पूरी एडवाइजरी जारी हो चुकी है कि कल 0 पॉइंट गौतम बुद्ध नगर में एक बड़ी पंचायत होगी। सभी लोग अब अपने तरीके से वहां पर पहुंचने का काम करें और आगे का फैसला जो भी होगा वही होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी है कि जितने भी लोग हमारे गिरफ्तार किए उनको अभी वहां से पूरा निर्णय पॉइंट पुलिस कोई भी रोकने का उसका काम न करे। हम अपने 0 पॉइंट धरना स्थल पर जाएंगे और जो भी बातचीत अधिकारी सरकारों से होगी, जब हमारे किसान हमारे बीच आंदोलन होगा, जिस तरह से सरकारों की पॉलिसी चली हुई है वो पॉलिसी कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। किसानों को, आम लोगों को, दुकानदारों को, आदिवासियों को जिस तरह से जमीन ने उनके रोजगार वे छीनने जा रहे हैं ये सब जानते हैं। जिस तरह से एनजीटी के नाम पे 10 साल पुराना वाहन, 10 साल पुरानी गाड़ियां, आज हम एनसीआर में 2020 से पहली गाड़ी लेकर नहीं चल सकते, उसके 20,000 रुपए के चलान है। क्या ये जनता उसको भूल गई? क्या इसका प्रभाव जनता पर नहीं पड़ रहा? क्या इसका प्रभाव जो हिंदू की मुसलमान की बात करते हैं, क्या इसका प्रभाव हिंदू की गाड़ी का चलान नहीं हो रहा? आपको समझना पड़ेगा, हिंदू तो एक बहाना है, कब्जा जमीन पे करना है। हिंदू तो टारगेट पे उसका बहाना लेके डरा के आम लोगों को बहका के ये एक बहाना है उनका, जो हमारे भोले भाले बच्चे हैं उनको बहका के दूसरी लाइन पर डाला जा रहा है। ये समझना पड़ेगा सबको, कितना नुकसान हम सबको हो रहा है सब लोग जानते हैं। आंदोलन की, एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है। कल का जो टारगेट हमारा है, कल का जो हमारा उद्देश्य है, जो नोएडा के किसान यहाँ पे बंद करे गए हैं उनको छुटवाना, उनकी बातचीत शुरू करवाना, और वो बातचीत जब शुरू होगी, जब हमारे बीच में हमारा किसान होगा। हम नोएडा में ही रुके हुए हैं, यही है। हम कल 0 पॉइंट पे आपको 11-12 बजे 0 पॉइंट पे ही मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय नोएडा।